कि उसके मुताबिक आप नतीजा अखज करें। हमारे पास वो रिजल्ट आ चुके हैं, बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले पहले सारे रिजल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिजल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नतायज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरखास्त है। ये साथ कहता हूं कि चूंकि आर ओज ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे जिन सीटों पे हमारे नतायजों को रोके रखा गया है, वो प्रोसेस्ड डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए, इसलिए कल हम इंशाल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पूरा मन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरखास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है, आपका इन्हीं कानूनी हक है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि कोई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओस के सामने पीसफुल गो करके मुतालिबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिजल्ट को बिला ताखीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते कल हम इंशाल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे।